वेलकम गाइस, हम लोग इस वीडियो में बात करेंगे एक ऐसा स्टॉक, कैंपस वेयर स्टॉक है, कैंपस फुटवेयर, जिसमें आने वाले समय में मार्केट में इसकी जो प्राइस है वो ऑलमोस्ट हाई को टच कर सकती है। तो इस चार्ट में क्या ऐसा लेवल है, एक्युमुलेशन जोन कहाँ पर है, हर वो चीज़ हम लोग इसमें डिस्कस करेंगे, ठीक है? ये किसी तरह की एडवाइजरी नहीं है, तो आप लोग अपना रिसर्च करें। मैं लॉजिक्स बताता हूँ कि किस तरीके से इसको मैंने पिक किया है, और आने वाले 6 महीनों से 8 महीनों में ऑलमोस्ट चांसेस है हाई, या फिर एक ट्रेंड जो निगेटिव ट्रेंड है वो चेंज शिफ्ट होता दिख रहा है, उसके पीछे रीजंस हम लोग देखेंगे। देखिए, अगर आप फर्स्ट टाइम इस वीडियो को देख रहे हैं तो मैं आपको बता दूं कि अब जो पूरे चैनल का स्ट्रक्चर है वो चेंज हो गया है। अब है सो हम लोग बेसिकली इसमें इंट्राडे नहीं करेंगे। काफ़ी सारे लोगों की रिक्वेस्ट थी कि स्विंग ट्रेडिंग, तो आपको हमेशा हर एक वीक में जितने भी निफ्टी 50 के स्टॉक्स हैं उसमें कौन से स्विंग्स मूवमेंट होने वाले हैं, किस लेवल से कहाँ तक उनकी एनालिसिस, और ऐसे स्टॉक्स जो आने वाले समय में बहुत अच्छे रिटर्न दे सकते हैं जिसमें ट्रेंड शिफ्टिंग हो, जो वैसे स्टॉक्स जो एक हेल्दी ट्रेंड को डेवलप करते हैं। क्योंकि आप अगर किसी स्टॉक में, जैसे कि मान लीजिए कि जो सेलिंग आ रही है, आ रही है, कहीं तो ऐसा होगा ना कि एक पॉइंट होगा जहां पर सेलर्स की पावर खत्म हो जाएगी और यहां से बायर्स कंट्रोल ले लेंगे। इसके पीछे जो न्यूज़ होता है, जैसे कि कैंपस में की बात करें तो इसके पीछे है कि गवर्नमेंट ने बजट के समय कुछ ऐसे अनाउंसमेंट किए जिससे फुटवेयर रिलैक्स जो इंडस्ट्री है उसको रिलैक्सेशन, इसलिए ट्रेंड शिफ्ट होता दिख रहा है। कोई भी आप स्टॉक देखें, कैंपस देखें या फिर बाटा इंडिया देखें, सब में ये चीज़ें फैमिलियर है। लेकिन हम लोग कैंपस को इसलिए सेलेक्ट कर रहे हैं क्योंकि इसमें वो एक्टिविटी हमें नज़र आ रही है। देखिए, ये डेली चार्ट है। अब इस एरिया में आपको क्या दिख रहा है, ट्रेंड कहाँ से शिफ्ट हुआ? आप एक तरीके से सिंपल, अगर आप ट्रेंड लाइन पर भी काम करते हैं तो देखिए शिफ्ट कहाँ हुआ था ट्रेंड लाइन, क्या ब्रेकआउट, इसे कहेंगे, इसे कहेंगे, इसे किसे कहेंगे आप? देखिए, इस ट्रेंड लाइन पर आप काम मत करो। अगर इससे बेटर है कि सपोर्ट रेसिस्टेंस, आप देखिए कि सपोर्ट कहाँ कहाँ है, कहीं एक ऐसा जगह आएगा जहाँ पे फर्दर मार्केट लो लगाना बंद कर देगा, ठीक है? इसके नीचे लो लगा, आप देखिए क्या यहाँ पर लो लगा, नहीं, इसी लेवल से ट्रेंड चेंज हो गया, ठीक है? बीच में ये जो टेक्निकल एनालिसिस है ना, वो आपको मजबूर करती है कि यहाँ पर आप सेल कर दो, लेकिन ये वही पॉइंट है जहां पर आप सेल कर रहे हैं और इंस्टीट्यूशंस इस लेवल से मार्केट को उठाना चाह रहे हैं। वो आपको, अगर आप जिस भी तरीके से ट्रेड करते हो, आप मूविंग एवरेज पे भरोसा करते हो, देखिए 200 का मूविंग एवरेज, ये वो पॉइंट था। यहाँ पर वो टेक्निकल एनालिसिस जो आपको बार बार एंट्री दिलाती है, यहाँ पर फेल हुआ। इसलिए प्राइस एक्शन की नॉलेज होना बहुत जरूरी है, बहुत जरूरी। डिस्क्रिप्शन मैंने लिंक दिया है एक और चैनल का, अगर आप सीखने में इंटरेस्टेड हैं तो उसे देखिए, वरना इसी चैनल पर आप इन बाकी चीज़ों को देख सकते हैं। अब देखिए कि आगे की क्या पॉसिबिलिटीज है। इवन आप देखिए वीकली कैंडल पर आप इस मूवमेंट को देखिए, क्या शार्प मूवमेंट। अब किस तरीके से इसमें, अब देखिए अगर फर्दर सेलिंग आती है, यहाँ पर शूटिंग स्टार है। अब शूटिंग स्टार्स को देख के कौन, जो भी टेक्निकल एनालिसिस वाले लोग हैं, यहाँ पर वो एग्जिट करेंगे। जिन लोगों में यहाँ पर ट्रेंड में एंट्री की, उनके लिए वो एग्जिट पॉइंट है। और अगर फॉल आया यहाँ पर, इस तरह से अगर फॉल आता है तो सब लोग निकल जाएंगे। लेकिन ये एरिया हमेशा आपको ध्यान रखना है, इन फ्यूचर एक्युमुलेशन पॉइंट है। अगर इस लेवल पर दोबारा स्टॉक आता है और हमें फिर से यहाँ से बायर्स में स्ट्रेंथ दिखती है तो मूवमेंट अपसाइड की तरफ चलती जाएगी, ठीक है? आपको ऐसे नहीं घबराना है कि मार्केट में आप सपोर्ट देख के, अब जैसे ये एक रेसिस्टेंस क्रिएट हो रहा है, ये रेसिस्टेंस क्रिएट हो जाएगा तो इसके ऊपर आपको पता है रेसिस्टेंस सपोर्ट लेगा, फिर इस तरह से आप मूवमेंट को इस तरह से करिए, फिर ट्रेंड राइडिंग आप समझ जाएंगे, ठीक है? आप किसी स्टॉक में स्टक है, आपको कोई प्रॉब्लम है होल्डिंग्स में, आप मुझे ईमेल कर सकते हैं, आई विल ट्राई टू मेक वीडियोज ऑन दैट, ऑलराइट? आपको ये एनालिसिस वगैरह अच्छी लगती होगी, आप जरूर इसे वीडियो को लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए, शेयर करिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग गाइस।